दोस्तों क्या आप जानते हैं जिन लोगों की स्किन फेयर होती है उन लोगों की स्किन अचानक से डार्क क्यों होने लगती है और अगर किसी की स्किन डार्क होती भी है तो हम उसे कैसे दोबारा से वाइट बना सकते हैं यानी कि कैसे हम अपनी स्किन का कलर गोरा कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी स्किन का कॉम्पलेक्शन आखिर डार्क क्यों होने लगता है तो हम लोगों की स्किन में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें मेलेनो कहते हैं और उनका काम होता है मिलेिन का सिक्रेशन करना अब दोस्तों मेलेिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड कराता है यानी कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में मिलेिन का सिक्रेशन होता है उतनी ज़्यादा डार्कनेस हमारी स्किन के अंदर होती है तो अगर मिलेिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन ब्लैक होने लगती है और अगर मिलेिन का सिक्रेशन कम होता है तो स्किन हमारी वाइट होने लगती है तो गैस कुछ कंडीशंस की वजह से जिन लोगों की स्किन में मेलानिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है उन लोगों की स्किन ब्लैक होने लगती है यानी कि स्किन डार्क हो जाती है तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि कुछ लोगों की स्किन अचानक से डार्क होने लगती है तो गाइज अब बात करते हैं कि अगर हमारी स्किन का कलर डार्क हो चुका है यानी कि मेलानिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी होम रेमेडी बताने वाला हूं इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो आप घर पे इजीली कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक टोमेटो यानी कि टमाटर की, की ज़रूरत पड़ने वाली है इसके अलावा आपको सिर्फ़ दो स्पून हनी यानी कि शहद की ज़रूरत होगी अब दोस्तों आपको करना क्या है सिंपली आपका जो टमाटर है उसको आपको दो पीसेस में डिवाइड कर लेना है उसके बाद दोस्तों टमाटर को दो पीसेस में करने के बाद में जो आपके पास हनी है उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दोनों पीसेस पर आपको लगा देना है अब दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली जो शहद लगा हुआ टमाटर है उसको अपने फेस पर रब करना है सर्कुलर मोशन में इसी तरीके से जो दो पीसेस हैं आपके पास आपको उन्हें दोनों को रब करना है और दोस्तों ये रबिंग आपको लगभग पाँच मिनट तक करना है और उसके बाद बीस मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है उसके बाद ठंडे पानी से ताज़ा पानी से अपने फेस को धो लेना है दोस्तों ये रेमेडी आप लोग हफ्ते में तीन बार भी कर सकते हैं तो गाइस अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स इसके फायदे बता देता हूँ सबसे पहले तो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन होगी वो कम हो जाएगी यानी कि आपकी स्किन की डार्कनेस कम हो जाएगी और स्किन आपकी धीरे धीरे फेयर होने लगेगी इसके अलावा दोस्तों जो डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है स्किन में वो भी कम हो जाएगी और स्किन आपकी धीरे धीरे फेयर होगी और गाइस जिन लोगों की स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि टोमेटो और हनी जो है एंटी पिंपल्स माने जाते हैं इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पिंपल्स और एक्नेस को कम करती हैं तो गाइज़ आज के वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू